हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ यू आर माई सनसाइन का चौथा पार्ट शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड, मैं जानती हूँ आपको यह स्टोरी पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मुझे अब यह स्टोरी पूरी तो करनी ही होगी। मेरा 2 दिन से कोई भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, आज भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं हिम्मत जुटा के आज यह वीडियो बनाने लगी हूँ। मैं अब समझ चुकी हूँ कि आप लोगों को किस तरह के ऐप पसंद आते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं भी आपके साथ उसी तरह के ऐप शेयर करूँ जिस तरह के आप लोग पसंद करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी यह स्टोरी पूरी करनी है। मैंने इस स्टोरी में काफ़ी कुछ लिखने की सोची थी, लेकिन इस स्टोरी ने मुझे थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसीलिए मैं अब इस स्टोरी को 2 पार्ट में ख़त्म करने वाली हूँ। एक आज का पार्ट और उसके बाद एक पार्ट और बनेगा और मैं यह ऐप ख़त्म कर दूँगी। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है मैंने आपका काफ़ी समय वेस्ट कर दिया है अपनी समस्याओं को बताने में, तो चलिए अब अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था डेमोन ने विंग की रिस्ट पर वह नाइफ लगाए हुए था जो बांजी के क्लोथ में मिला था, और वह डेमोन बांजी से कह रहा था, तुम नहीं जानते कि यह नाइफ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इस बीवो सैन का बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी से आगे शुरू करते हैं। बांजी ने खड़े होते हुए कहा, आखिर तुम उसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने बचपन में ही उससे उसके पेरेंट्स को छीन लिया और अब 10 साल तक तुम्हारे कारण उसे कैद में रहना पड़ा। तभी उस डेमोन ने कहा, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि तुम उससे प्यार कर सको। तुम जानते हो, मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया क्योंकि मैं इसकी तरह खूबसूरत नहीं था। बांजी ने कहा, तो फिर तुम अब क्या चाहते हो? उस डेमोन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे नहीं मुझे प्यार करो लान बांजी। बांजी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं विंग से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तभी डेमोन ने हंसते हुए कहा, लान बांजी, तुमने क्या सोचा था कि तुम इससे मैरिज कर जिंदगी भर के लिए मुझसे छुटकारा पालोगे? नहीं लानवान जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कभी भी उसे तुम्हारा नहीं होने दूंगा लानवान जी, क्योंकि तुम केवल मेरे हो। वांजी ने कहा, तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मैं ऐसा क्या करूं जो तुम उसे अपने आप से आज़ाद कर दो? डेमोन ने कहा, क्या तुम करने के लिए तैयार हो लानवान जी? मैं प्रोमिस करता हूँ उसके बाद मैं इसे और इस वर्ल्ड को भी छोड़कर चला जाऊँगा। बांजी डेमोन की तरफ हैरानी से देख रहा था, क्योंकि उस मैजिशियन ने कहा था कि उस डेमोन ने अपनी आखिरी सांस तक भी किसी के आगे हार नहीं मानी, तो फिर आज वह बांजी के आगे इतना पोलाइटली बात क्यों कर रहा है? बांजी ने भी पोलाइटली जवाब दिया, हाँ कहो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। उस डेमोन ने बांजी की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं केवल आपको चाहता हूँ, आप हमेशा के लिए मेरे साथ चलो। बांजी हैरानी से उस डेमोन की तरफ देख रहा था, मेरे वर्ल्ड में, मेरी दुनिया में, मेरे साथ हमेशा के लिए। बांजी ने कहा, तुम पागल हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तभी उस डेमोन ने एक बार फिर से विंग की रिस्ट पर नाइफ गड़ाते हुए कहा, तो तुम इसे मरते हुए तो देख सकते हो ना लान बांजी? बांजी ने देखा, विंग की रिस्ट से अब ब्लड आने लगा था। डेमोन ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? इससे पहले बांजी डेमोन को कोई जवाब देता, तभी वहां पर एक आवाज़ गूंजी, नहीं, वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तुम जो चाहे इस विभूषण के साथ कर लो, तुम चाहो तो उसकी जान ले सकते हो, हमें उसकी जान की कोई परवाह नहीं है। बांजी ने देखा वहाँ पर उसके अंकल, उसके भाई और जियांग क्लान लीडर जियांग फेंगम्यान खड़े थे। बांजी ने कहा, अंकल आप यह क्या कह रहे हो, वह सच में विंग की जान ले लेगा? तभी जियांग फेंगम्यान ने कहा, राजकुमार लान, आप चिंता ना करें, वह उसकी जान नहीं लेगा, क्योंकि अगर वह उसकी जान लेगा तो वह उसके बाद कभी भी किसी और बॉडी में नहीं जा पाएगा और हमेशा के लिए इस दुनिया में भटकता रहेगा। तभी उस डेमोन ने जियांग फेंगम्यान की तरफ गुस्से में देखा और कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैं इसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मैं तुम्हें तो चोट पहुंचा सकता हूँ ना? और केवल उस डेमोन के अपनी मुट्ठी दबाने पर ही जियांग फेंगम्यान जमीन पर तड़पते हुए नजर आने लगे।
लेंस चैन ने तेजी से जियांग फेंगमियान को संभालते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? मोन ने कहा, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, बस तुम इतने से ही डर गए? देखना चाहोगे कि मुझ में कितनी ताकत है? और देखते ही देखते वह सारा फॉरेस्ट एक भयंकर आग के गोले में बदल गया। स्मोक के कारण वहां पर लैन सिचैन और लैन कुरेन दोनों का सांस लेना मुश्किल होने लगा। तभी वांजी ने कहा, प्लीज तुम यह सब बंद कर दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैमून ने कहा, तुम सच कह रहे हो लैन वांजी? वांजी ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम्हें यह सब पहले जैसा करना होगा। उस डेमोन ने अपना हाथ उठाया और वहां पर सब कुछ पहले जैसा हो गया। लैन सिचैन और लैन कुरेन अभी भी सफोकेशन के कारण तेज हाँफ रहे थे। पांजी ने डेमोन से कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तभी उस डेमोन ने कहा, लेकिन क्या लान वांजी? वांजी ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा, कैसी शर्त? वांजी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार अपने ट्रू विंग को देखना चाहता हूँ, उस विंग को जिससे मैं प्यार करता हूँ। तभी उस डेमोन ने कहा, इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं इस बॉडी को छोड़ दूं? लान वांजी, कहीं तुम मेरे साथ चीटिंग करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? वांजी ने कहा, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं केवल एक बार अपने ट्रू बीइंग को देखना चाहता हूं। डेमोन ने कहा, तो ठीक है लान वांजी, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूं, 24 घंटे तुम अपने ट्रू बीइंग के साथ बिता सकते हो। इन 24 घंटे मैं एक पल के लिए भी तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन याद रखना लान वांजी, मेरे साथ किसी भी तरह की चीटिंग करने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं केवल पलक झपकते ही इस पूरे राज्य को ख़त्म कर सकता हूँ। वांजी जानता था कि वह डेमोन खुद को केवल इस नाइफ के रूप में ही चेंज करेगा, क्योंकि उस नाइफ पर इस समय विंग का ब्लड लगा हुआ था। वांजी ने जियांग फेंगमियान की तरफ अपनी पलकें झपकाई, जैसे वह उन्हें कुछ इशारा कर रहा हो, क्योंकि उस लेडी मैजिशियन ने कहा था कि वह खुद को उसी चीज में बदल पाएगा जिस पर बेहूशान का ब्लड लगा हुआ होगा, और उसके साथ ही तुम्हें उसका ब्लड यूज करना होगा जो उसके ब्लड रिलेशन में हो, और अगर कोई उसके ब्लड रिलेशन में नहीं हुआ तो फिर तुम्हें खुद का ब्लड यूज करना होगा। लेकिन याद रखना राजकुमार लान कि तुम उसके ब्लड रिलेशन में नहीं हो, इसीलिए अगर तुम उस पर काबू नहीं पा पाए तो वह तुम्हारी जान ले लेगा। वांजी ने गुसू आने से पहले यह सारी बातें मैडम जियान को बताई थी और उन्हें सांत्वना भी दी थी कि वह ना ही आपके हस्बैंड और ना ही आपके बेटे को कुछ होने देगा, लेकिन मैडम जियांग ने उस समय वांजी की बात नहीं मानी और उसे क्लान लीडर जियांग से मिलने भी नहीं दिया, और अब जब क्लान लीडर जियांग उसके साथ हैं तो वांजी यह सब कर सकता है। वांजी ने जियांग फेंगमियान की तरफ अपनी पलकें झपकाई, जैसे वह उन्हें कुछ इशारा कर रहा हो, और विंग की बॉडी से स्मोक से बनी एक मानव आकृति निकली और देखते ही देखते उस नाइफ में समा गई, और उधर विंग की आंखें बंद होने लगी थी इससे पहले विंग फ्लोर पर गिर पाता। वांजी ने दौड़कर विंग को अपनी बाहों में संभाल लिया, और उधर जियांग फेंगमियान ने उस नाइफ को अपनी हथेली में दबा लिया जिसमें विंग के ब्लड के साथ उनका ब्लड भी मिक्स होने लगा। जियांग फेंगमियान सोच रहे थे, मैं बरसों पहले ही उसे इस डेमोन से आज़ादी दिला सकता था, लेकिन उस समय यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं अपने परिवार के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाया, और आज जब मैडम जियांग ने मुझे बताया कि राजकुमार लान वांजी खुद बेहूशान की मदद करना चाहते हैं, तो मैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर आ गया। और उधर वांजी देख रहा था कि उस नाइफ में अभी भी किसी भी तरह का चेंज नहीं हुआ है, वह नाइफ अभी भी पहले की तरह साफ दिख रहा है, जबकि उन मैजिशियन के बताए अनुसार यह नाइफ अब तक एक स्मोक में बदलकर डिसिपेयर हो जाना चाहिए था।
वांजी सोच रहा था, क्या यह मैजिक केवल इसीलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैजिशन ने कहा था कि वह अपनी फैमिली और सभी से नफरत करता था, लेकिन अब उसके दिल में प्यार ने अपना घर बना लिया है। तभी वांजी ने एक आवाज़ सुनी, हाँ राजकुमार लान, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सभी ने मुड़कर उस आवाज़ की तरफ देखा। जियांग फेंगम्यान ने बुदबुदाया, मैजिशन बाउसन सैरन। एम्परर लेंचरेन ने कहा, बाउसन सैरन, क्या यह वही मैजिशन है जिन्होंने वर्षों पहले उस डेमोन को बिहुशैन के अंदर कैद कर दिया था? जियांग फेंगम्यान ने कहा, हाँ यह वही मैजिशन है जिन्होंने वर्षों पहले उस डेमोन को बिहुशैन के अंदर कैद कर दिया था। सभी ने आगे बढ़कर उनको ग्रीट किया क्योंकि वह बहुत ही ओल्ड लेडी थी। जियांग फेंगम्यान ने कहा, आप यहाँ कैसे? तभी बाउसन सैरन ने वांजी की तरफ देखा और कहा, मैं इस बच्चे के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैंने इसे इस डेमोन से छुटकारा पाने का तरीका तो बता दिया था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसके लिए डर गई थी। और वांजी से कहा, राजकुमार लान, आप सोच रहे हो ना कि यह नाइफ अब तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ? वांजी ने कहा, हाँ मैं यही सोच रहा था। तभी बाउसन सैरन ने कहा, क्योंकि अब परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल चुकी हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि यह डेमोन अपनों से नफरत करता है, यह रिश्तों को नहीं मानता, लेकिन अब वह तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। लेंचरेन ने कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वांजी एक जीता जागता इंसान है और वह एक डेमोन, वांजी उसके साथ कैसे जा सकता है? तभी बाउसन सैरन ने कहा, माई मजिस्ट्री, मैं भी नहीं चाहती कि राजकुमार लान उसके साथ जाए। लैन सिचैन ने कहा, लेकिन ऐसे कैसे होगा? तभी बाउसन सैरन ने कहा, होगा, मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। उस डेमोन ने हमें 24 घंटे का समय दिया है। लैन सिचैन ने कहा, लेकिन इन 24 घंटे में हम क्या कर सकते हैं? तभी बाउसन सैरन ने कहा, इन 24 घंटों में हम वांजी और बिहुशैन की मैरिज करा सकते हैं, हम उन्हें एक रिश्ते में बांध सकते हैं। बाउसन सैरन ने अपने क्लोथ से एक पाउच निकाला और जियांग फेंगम्यान से उस पाउच में उस नाइफ को रखने के लिए कहा। जियांग फेंगम्यान ने जब उस नाइफ को उस पाउच में रखा तो बाउसन सैरन ने कुछ मंत्रों के साथ उस नाइफ को उसमें बंद कर दिया। लेंचरेन ने बाउसन सैरन से कहा, आप तो इतनी बड़ी मैजिशन हैं, क्या आप हमेशा के लिए इस डेमोन को ख़त्म नहीं कर सकती? बाउसन सैरन ने कहा, नहीं, मैं उसे ख़त्म नहीं कर सकती क्योंकि उसके ग्रैंडपा से उसे एक वरदान मिला हुआ है कि वह हमेशा अपनी मर्जी का राजा बनकर रहेगा। कि जब उसने अपनी पूरी फैमिली की जान ली थी तभी उसके पिता ने उसे कर्ज दिया था, तुम केवल एक बार ही किसी बॉडी पर कब्जा कर पाओगे, उसके बाद तुम कभी भी किसी भी बॉडी के अंदर नहीं जा पाओगे, तुम्हें हमेशा हेल जैसी लाइफ बितानी पड़ेगी। और यही कारण था जो अब तक 10 साल कैद में होने के बाद भी उसने बिहुशैन की बॉडी को नहीं छोड़ा था। इससे पहले लेंचरेन बाउसन सैरन से कुछ और सवाल करते, तभी बाउसन सैरन ने कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर 24 घंटे का समय बीत गया तो वह राजकुमार लान को अपने साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। बाउसन सैरन ने आगे बढ़कर बांजी और विंग की रिस्ट पर मंत्रों से पढ़ा हुआ एक धागा बांधते हुए कहा, 24 घंटे तक आप दोनों को यह धागा अपनी रिस्ट से नहीं खोलना है, वरना इन 24 घंटों के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का पाठ मैं ही ख़त्म करती हूँ। आज का पाठ आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय।